एक और मंदिर जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं होते, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं होती, लेकिन इनकी महिमा बहुत होती है। तो ऐसे 400 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। जानिए पूरा इतिहास पापों को खत्म करने वाली तापी माता का। जानिए क्यों और कौन सा श्राप दिया था तापी माता ने गंगा जी को। जानिए क्यों श्राप दिया था तापी माता ने नारद जी को और वो कैसे मुक्त हुए थे यहाँ पर। तापी माता जिन्हें आदि गंगा कहा जाता है, पर क्यों उनकी महिमा लोगों को नहीं मालूम। दर्शन करवाऊंगा मूर्ति के जो तापी माता का उद्गम स्थान है। कौन कौन सी नदियाँ उल्टी दिशा में बहती हैं। जानिए किस किस नदी के पुराण हैं। जानिए क्यों तापी माता को गंगा जी की सासू कहा जाता है। तो अंत तक बने रहेगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्य गंगा जी के स्नान से, यमुना जी के पान से यानी पीने से मिलता है पानी, नर्मदा जी के दर्शन से, उतना ही फल सिर्फ तापी माता के स्मरण से मिल जाता है। तो घर पे बैठ के बोलिए जय तापी माता स्मरण करके और जानिए कि ऐसा क्यों है। जैसे गंगा जी निकलती हैं गंगोत्री गोमुख से, यमुना जी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री, अलकनंदा जी का उद्गम स्थान है सतोपन, नर्मदा जी का अमरकंटक, वैसे ही आज आपको दर्शन करवाऊंगा सूर्यपुत्री शनिदेव, सूर्य की पुत्री शनिदेव, यमदेव और यमुना माता की बहन ताप्ती माता के उद्गम स्थान के, जिसका उल्लेख महाभारत स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी है। अक्सर नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, पर नर्मदा माता माही और सिर्फ तापी माता है जो प्रकृति के खिलाफ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। यूं तो कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सरयू शिप्रा फल्गु, लेकिन पुराण सिर्फ दो ही नदियों के ऊपर लिखे गए हैं, नर्मदा माता के ऊपर और तापी माता के ऊपर। जीवन के पाप ताप श्राप और जीवन के त्रास को हरने वाली जिन्हें आदि गंगा भी कहा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से तापी माता 21 कल्प पुरानी नदी हैं। एक कल्प का मतलब होता है 4,32,00,000,000 साल, यानी 21 कल्प हो गए लगभग 90.72 करोड़ साल पुरानी। इसलिए तापी माता से पुरानी कोई भी नदी नहीं है। गंगा जी को सगर राजा तप कर धरती पर लाए थे। उससे पहले गंगा जी धरती पर नहीं थी, लेकिन तापी माता तब भी थी। सगर राजा भी जब गंगा जी का तप करने के लिए जाते थे तो पहले शुद्ध होने के लिए तापी में ही आते थे, और ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी भी साल में एक बार तापी जी में स्नान करने आती हैं शुद्ध होने के लिए। तो वो मंदिर है गंगेश्वर महादेव सूरत में, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, क्योंकि तापी माता ने एक बार पूछा कि लोग मुझ में आकर नहा कर अपना पाप छोड़ के जाते हैं, तो मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, तो मैं शुद्ध कैसे होंगी। तो महादेव ने कहा जब साधु संत आप में आकर नहाएंगे और आप तापी में जाकर नहाएंगे तो आपके अंदर छूटा हुआ पाप से आप मुक्त होकर आप भी शुद्ध हो जाएंगी। इसीलिए तापी माता को आदि गंगा भी कहा जाता है। तापी माता का तो मंत्र ही है तापी तापी महातापी तापी पाप निवारिणी सूर्य पुत्री नमस्तुभ्यम अषाढ़े जन्म सप्तमी, यानी जो पाप हरने वाली माता हैं उनका काम ही सबसे बड़ा है कि वो पाप हरती हैं। और तापी माता का जन्म हुआ था अषाढ़ महीने की सप्तमी को, यानी आज ही के दिन, उसी दिन हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, और भगवान की कृपा से माता जी की कृपा से आपको भी दर्शन करवा पा रहा हूँ। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या तापी में नहाने वाले और स्नान करने वाले और गंगा जी में नहाने वाले पाप मुक्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब बार बार पाप करो और बार बार नहा लो। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने पिता के मुख पर एक तमाचा मारा तो पिता एक बार माफ़ कर देंगे, दूसरी बार माफ़ कर देंगे, लेकिन तीसरी बार घर से बाहर निकाल देंगे। तो आपके पापों से मुक्ति तभी मिलती है कि जब आप नहा रहे हैं। घर में नल आ रहा है तो पानी तो गंगा जी का और तापी जी का आ रहा है, लेकिन पाप तभी धुलेंगे कि आप अगर उनको माता समझ के डुबकी लगाते हैं और उनका मंत्र बोलते हैं तापी तापी महातापी तापी पाप निवारिणी सूर्यपुत्री नमस्तुभ्यम अषाढ़े जन्म सप्तमी, और संकल्प करते हैं कि जो गलतियाँ मुझसे हो गई हैं फिर मैं वो नहीं दोहराऊंगा, तब माता आपके पाप हरती हैं। तो अब चलते हैं तापी माता की मुख्य कथा की तरफ। जब सगर राजा ने गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए माँ गंगा को धरती पर आने के लिए कहा, तो
उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गंगा जी की इतनी महिमा है, उनके होते हुए अगर गंगा जी धरती पर आए तो उनकी कोई महिमा नहीं रहेगी। तो गंगा जी ने कहा कि मैं तभी आऊँगी अगर पापी जी की महिमा कम होगी। तो नारद जी को कहा और नारद जी ने उनके कहने पर तापी पुराण को चुरा लिया। इसके बाद से तापी जी का महिमा तो नहीं घटी, फल तो उतना ही है, लेकिन लोगों को धीरे धीरे उनकी महिमा का ज्ञान नहीं रहा। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो महिमा तापी जी की घट गई है उन्हें कहीं ना कहीं तक मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो आप भी तापी माता की जय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जब तापी माता को मालूम पड़ा कि नारद जी ने पुराण चुराए हैं तो उन्होंने नारद जी को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया। तब यहीं पर आकर नारद जी ने 12 साल तक तपस्या की और उस श्राप से मुक्त हुए। फिर तापी माता ने गंगा जी को श्राप दिया कि उनके कुल का विनाश हो जाएगा। तो आपने सुना ही होगा कि गंगा जी ने खुद अपने बच्चों को गंगा जी में बहाकर मार दिया था और एक बच्चा बचा था जिसका नाम है भीष्म पितामह महाभारत के। उन्होंने भी इच्छा मृत्यु से मृत्यु को स्वीकार किया और गंगा माता का वंश का विनाश हुआ। तापी माता की शादी जल के देवता वरुण से हुई और उनका बेटा हुआ कुरु, जिससे बाद में कहलाया कुरु वंश, जिनका मंदिर है कुरुक्षेत्र सूरत में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कुरु वंश में ही भीष्म पितामह हुए, पांडव हुए, उन्हें कुरु वंशी कहा जाता है। इसीलिए जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा गया था। तो गंगा जी ने शादी की थी शांतनु से और उन्हीं के बेटे थे भीष्म पितामह। इसीलिए तापी माता सासू हैं गंगा माता की। अलग अलग श्रृंगारों के दर्शन करिए तापी माता के, तकलीफ होगी पर कमेंट बॉक्स में जाकर तापी माता की जय जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपके भी कष्ट दूर हों और आपके भी पाप दूर हों। तापी माता के 21 नाम लेने से, स्मरण करने से पापों से छुटकारा मिलता है। तो गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। तापी जी के उपनाम है जो मेन, सूर्यपुत्री और भानुजा। थाईलैंड में भी एक तापी नदी है, उनका नाम भी इन्हीं पर से रखा गया था। इकलौती नदी हैं ऐसी जिनका नाम विदेशों में भी फेमस है। जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान सूर्य का ताप सहन नहीं हो रहा था, तो सृष्टि का संतुलन रखने के लिए भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री तापी को धरती पर भेजा था। शनि देव और यम देव की भाई हैं इनके। उन्होंने वरदान दिया था कि भाई बीज के दिन या तापी के जन्मदिन, यानी जिस दिन आप दर्शन कर रहे हैं आषाढ़ जन्म सप्तमी को, जो भी यहाँ पर आकर दर्शन करेगा और डुबकी लगाएगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। तो वीडियो लोगों को भेजकर बचाएं उनको भी अकाल मृत्यु से। कार्तिक अमावस्या के स्नान का भी कई गुना महत्व है यहाँ पर। 7 कुंड है यहाँ पर तापी जी के। एक है सूर्य कुंड, खुद भगवान सूर्य ने स्नान किया था वहाँ पर आकर। दूसरा है ताप्ती कुंड, जिसमें पापों से मुक्ति मिलती है और ताप से मुक्ति मिलती है। तीसरा नारद कुंड। नारद जी ने चोरी का जो श्राप लगा था और उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, यहीं पर आकर उन्होंने तपस्या की थी। छठा है शनि कुंड। शनि दशा से लाभ होता है, मंदिर उनका आगे है, आपको दर्शन करवा चुका हूँ, क्योंकि शनि देव खुद तापी माता के भाई हैं। उन्होंने ही वरदान दिया था कि यहाँ पर आकर स्नान करने से वो नहीं सताएंगे। 7वां कुंड है नागाबावा कुंड। 100 बार गंगा जी में नहाने से जो पुण्य मिलता है वो यहाँ पर नहाने से मिलता है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने, द्वापर में भगवान राम ने, त्रेतायुग में कृष्ण और बलराम ने यहाँ पर आकर उपासना की थी। कलयुग में आप दर्शन करें और लोगों को कराएं, कम से कम शरीर को तकलीफ देकर कमेंट बॉक्स में जाकर जय तापी माता दी ही लिख दीजिए। तापी पुराण खुद भगवान शिव ने कार्तिकों को और कई गुणों को देवता को सुनाया था। ब्रह्म देव ने भी अपने पाप यहाँ पर आकर धोए थे जब उन्हें काम वासना हुई थी। विष्णु जी ने भी एकादशी के दिन यहीं पर स्नान किया था।